आम बजट 2023 खुल गया। वित्त मंत्री का पिटारा, जाने क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसका बजट में खास ध्यान रखा गया। ऐसे में कई चीजों से सरकार ने टैक्स घटाया है, जिससे वो सस्ती हो जाएगी। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी भी हुई, ये चीज़ें हुई सस्ती। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, कुछ मोबाइल फ़ोन, कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, LED TV, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें, लिथियम सेल्फ साइकिल, देसी किचन चिकन, ये चीज़ें हुई महंगी। विदेशी किचन चिमनी, सोना, प्लेटिनम, आयतित चांदी के सामान, सिगरेट, छाता, किचन चिमनी पर बढ़ा आयात शुल्क। आपको बता दें कि सरकार चिमनी के क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है। ऐसे में विदेशों में से आने वाली चिमनियों पर आयात शुल्क 15% तक कर दिया गया, जबकि ये पहले 7.5% था। अब आप विदेशी चिमनी खरीदेंगे तो आपकी जेब ज़्यादा ढीली होगी, जबकि देश कंपनी की चिमनी लेने पर आपको सस्ती पड़ेगी। बैटरी सस्ती होने से भी फायदा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और फोन के इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है। ऐसे में बैटरियों सस्ती हो जाएंगी, इसका सीधा असर मोबाइल और TV के दाम पर पड़ेगा। खिलौने के समेत कई चीज़ों पर सीमा शुल्क घटाया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार वस्त्रों को छोड़कर कई चीज़ों पर सीमा शुल्क 21 से घटाकर 13% कर रही है, जिससे खिलौने, नक्शा और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पाद सस्ते होंगे। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर